इस वीडियो में मैं आपको होमेज कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा जिसका मॉडल है HVS 1214 SCC। ये एक बजट इन्वर्टर है जो कि सस्ता है, यानी यूँ समझिए कि 1000 वाट का जो हमारा UPS आया करता था ये उसके बराबर है। ये वापडा पे भी चल सकता है, बैटरी भी चार्ज कर सकता है और सोलर से इनपुट लेके एज ए सोलर इन्वर्टर भी काम कर सकता है। तो यही इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, देख रहे हैं वो डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जनाब कोई सस्ता इन्वर्टर बताएं हमें ताकि हम सस्ती से सोलर प्लेटें साथ लगा के और अपना सिस्टम चला लें कोई सस्ता सा। तो ये एक डिवाइस मेरी आंखों के सामने से गुजरी जो कि पर्सनली मुझे पसंद आई क्योंकि ये होमेज कंपनी की है जो कि एक रिनॉन ब्रांड है और बिल्कुल वो मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में, आप अपनी रिसर्च करें खरीदने से पहले। इसकी प्राइस 23,400 रुपये ऑफिशियल प्राइस जो बताई जा रही है, बट विद डिस्काउंट अराउंड 23,000 ये मिल सकता है आपको। इसके पंखे लगे होते हैं एक आगे और एक पीछे इसको कूल करने के लिए। इसमें उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगल कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। पहले ये होता था कि इन्वर्टर के अंदर पंखा एक लगा होता था या दो भी लगे होते थे तो वो क्या करते थे कि वो अंदर की मशीनरी की हवा बाहर फेंकते थे और उसको ठंडा रखते थे, तो ये कम एफिशिएंट था। अब उन्होंने क्या किया कि एक ऊपर पंखा लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। जो ऊपर वाला पंखा है वो नॉर्मल को फ्रेश एयर को आपके कमरे की फेंकेगा उस इन्वर्टर के अंदर, उस डिवाइस के अंदर, और उसका नीचे वाला पंखा उस गर्म हवा को फिर बाहर फेंक देगा। तो एक उन्होंने ट्यूब सी, एक साइकिल सी बना दी है जो कि उसकी कूलिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन थोड़ा नॉइजी ऑफकोर्स ये ज़्यादा हो जाएगा। और जनाब इसकी जो है इस्तेमाल जो कंपनी क्लेम कर रही है, मुझे लगता है कि वो इस मामले में थोड़ी सी बददियानती कर रहे हैं, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो ये कहते हैं कि जनाब आप एक वक्त में इस पर 6 पंखे चला सकते हैं, 16 एनर्जी सेवर चला सकते हैं और 30 LED बल्ब, ये सारी चीज़ें एक वक्त में चला सकते हैं। ये फ्रॉड है जनाब, ये धोखा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में 1000 वाट की इसकी कैपेसिटी है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि ऑलमोस्ट 1000 वाट का जो UPS होता है या इन्वर्टर होता है वो आपको एक्चुअल में 800 वाट, 750 से 800 वाट आउटपुट रियल में दे रहा होता है, बाकी 20-25% लॉस होती है एनर्जी। तो अब अगर ये 800 वाट आपको देगा तो आप अपने घर की कैलकुलेट कर लें कि आपका पंखे कितने वाट के हैं, लाइटें कितने वाट की हैं, छोटा LED बल्ब कितने वाट का है। लेकिन ऑन एस्टिमेट अगर मैं आपसे बात करूं, छत का पंखा अगर 125 वाट का भी है तो 4 पंखे और 4-5 बल्ब और इस तरह से एक आधा एग्जॉस्ट फैन और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप एक वक्त में इस पर चला सकते हैं। नहीं, मैक्सिमम 750 से 800 वाट आप चला सकते हैं, मैनेज आपने खुद करना है। ये छोटे घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जनाब इसकी एक बुरी बात यह है कि ये प्योर साइन वेव पे नहीं चलता जैसे हमारी वापडा की बिजली आती है। ये चलता है जनाब सिमुलेटेड साइन वेव के ऊपर, थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है, तो हर डिवाइस इसके ऊपर नहीं चलेगी। जैसे कि आपका फ्रिज इस पर नहीं चलेगा, आपकी इस्त्री नहीं चलेगी, आपका छोटा AC तो खैर वैसे भी 1000 वाट पे क्या चलेगा, लेकिन जो प्योर साइन वेव होता है वो चाहिए होता है बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए। पेडेस्टल फैन, छत का पंखा, लाइटें, ये वो चीज़ें हैं, बल्ब वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस पे चल सकती हैं, छोटे घर के लिए अच्छा है। अच्छा जनाब, बाकी इसमें पैनल कितने लगेंगे, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर आप टोटल 800 वाट कैपेसिटी तक के पैनल लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप 400-400 के 2 लगाने हैं आपने, या आपने 200-200 के 4 लगाने हैं, 250-250 के 3, डेट इज़ अप टू यू। लेकिन मैक्सिमम 750 से 800 वाट तक के पैनल आप इस पर लगाएं तो ये रिकमेंडेड चलेगा, हीट भी नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। अगर इस बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस है इस डिवाइस के बारे में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।